वेलकम बैक टू माय चैनल। गर्मियां आने वाली हैं, इनफैक्ट काफी ज्यादा मौसम चेंज हो भी चुका है, कई जगह पे तो अच्छी खासी हीट होने भी लग गई है। ऐसे में अगर आपको चेहरे पे स्पॉट्स का प्रॉब्लम है, डार्क स्पॉट्स का प्रॉब्लम है, सर्दियों में अगर आप बहुत ज्यादा धूप में बैठे हैं तो आपको पिगमेंटेशन तो नहीं कह सकते, स्पॉट्स अगर हो गए हैं जिनको हम ब्राउन स्पॉट या फिर एज स्पॉट्स कहते हैं, जो एक पर्टिकुलर एज के बाद होते हैं, इस जगह में हो जाते हैं, ऐसे स्पॉट्स बनने लग जाते हैं, या फिर गर्मी की वजह से आपको ये प्रॉब्लम होता है, तो आज मैं आपके साथ एक बहुत बढ़िया सा स्किन क्लैरिटी फेशियल शेयर करूंगी। बहुत आसान है, बहुत ईजिली हो जाएगा घर की चीजों से, एज यूजल जैसे कि मेरी सारी रेमेडीज होती है बिल्कुल वही है। लेकिन अगर आपको स्पॉट्स है, एक्ने स्पॉट्स है, किसी भी तरह के निशान है, दाग धब्बे हैं या फिर झाइयां भी हैं, तो आप अगर रेगुलर यूज करते हैं इस फेशियल को तो आपको बहुत असर दिखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस फेशियल के लिए आपको लेना है एक आलू। एक आप बड़े साइज का आलू लीजिए, उसको कद्दूकस कीजिए और उसका इस तरह से जूस निकाल लीजिए, उसको स्क्वीज करके। आलू का जूस आप इस तरह से निकालेंगे तो नीचे व्हाइट स्टार्च होगा, वो बैठ जाएगा, तो जब भी आप इसको यूज करेंगे तो मिक्स करके यूज करेंगे। सबसे पहले मैं क्लिंजर बनाऊंगी। मैंने लिया है कच्चा दूध, साथ में मैं ऐड करूंगी एक चम्मच आलू का जूस। आलू का रस यानी आलू का जूस जो होता है, इसमें एक ऐसे एंजाइम होते हैं जो हमारी स्किन को लाइट करने का काम करता है। चेहरे पे जो भी दाग धब्बे बनते हैं, मेलाज्मा, फ्रेकीज या फिर पिगमेंटेशन का जिनको प्रॉब्लम होता है, डार्क स्पॉट्स का, सन स्पॉट्स का, तो वो आलू का जूस बहुत बेनिफिशियल होता है। डेली भी अगर आप सिर्फ आलू का जूस निकाल के उसको अपने चेहरे पे इस तरह दूध में मिलाकर भी लगाते हैं तो बहुत हद तक आपके स्पॉट्स जो है वो फेड हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने चेहरे को क्लीन करना है, तो ये जो हमने मिक्सचर रेडी किया है इससे हम अपने चेहरे को क्लीन करेंगे। कॉटन पैड की हेल्प से आप चेहरे को अच्छे से क्लीन कीजिए। अगर आपके चेहरे पर मेकअप है तो वो भी आप इससे रिमूव कर सकते हैं, एज अ नेचुरल क्लींजर ये काम करेगा। और चेहरे पे किसी भी तरह से, एक तो ये इतनी अच्छी इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं कि पोर्स को क्लॉग नहीं करता, तो अगर पोर्स को क्लॉग नहीं करता तो जितनी भी डस्ट और गंदगी हमारे पोर्स में इकट्ठा होती है उनको बहुत इजीली निकाल देता है। और इसमें स्टार्च होने की वजह से इसमें ऐसी एंजाइम्स हैं जो कि हमारे चेहरे को लाइट करने का काम करते हैं। तो अच्छे से जब आपको लगे कि आपका चेहरा क्लीन हो गया है तो आप इसको इसी तरह से छोड़ सकते हैं, या फिर नॉर्मल पानी से अपना फेस वॉश कर सकते हैं, या फिर टिश्यू से इसको क्लीन भी कर सकते हैं। तो चलिए अब करते हैं अपना अगला स्टेप। अगले स्टेप के लिए मैं बनाऊंगी स्क्रब, जिसके लिए मैं ले रही एक चम्मच चावल का आटा और साथ में ऐड करूंगी इसमें पटाटो का जूस। चावल का आटा हमारे चेहरे के लिए बहुत बढ़िया नेचुरल एक्सफोलिएटर होता है। आप चावल का आटा ना लें, अगर आपके पास ना हो तो आप इसकी जगह मसूर दाल भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप चावल का आटा लेते हैं तो ये भी हमारी स्किन को लाइट करने का काम करता है। डेली चावल के आटे का फेस पैक भी अगर आप चेहरे पर लगाते हैं, उसको रब मत कीजिए, सिंपल आप चावल के आटे में दही मिक्स करके अपने चेहरे पर लगा लीजिए, तब भी आपका चेहरा बहुत अच्छा से निखरना शुरू हो जाएगा। और गर्मियों में ऐसी रेमेडीज हमें करना बहुत जरूरी है, कि गर्मियों में स्किन बहुत जल्दी डल और डैमेज होती है। तो अब हमें, जब हमने इस अपना क्लिंजिंग कर लिया, तो उसके बाद चेहरे पे इस तरह से स्क्रब अप्लाई कर लेते हैं। नेचुरल चीजों के साथ आप अगर फेशियल करते हैं तो आप इस फेशियल को हफ्ते में 3 बार भी कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना ये सोचे कि आपकी स्किन पे कुछ हार्श इफेक्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आपके चेहरे पे डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, झाइयां, मेलाज्मा, सन स्पॉट्स या फिर टैनिंग, किसी भी तरह के कोई स्पॉट्स हैं, तो आप इस तरह के फेशियल को हफ्ते में 3 बार बहुत इजीली कर सकते हैं। चेहरा तो आपका निखरेगा ही, ग्लो तो करेगा ही, साथ में धीरे धीरे आपके जो स्पॉट्स हैं वो फेड आउट भी होने लग जाएंगे। अच्छे से आप इसको रब कीजिए, एटलीस्ट 1 से 1.5 मिनट तक आपको स्क्रब करना है। स्क्रब करने से, ये नेचुरल स्क्रब होता है, अगर आप नेचुरल स्क्रब इस तरह से करते हैं हफ्ते में 3 से 4 बार भी, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों का मिथ होता है ज्यादा स्किन एक्सफोलिएट होगी तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बिल्कुल नहीं होता। वो तब होता है जब हम मार्केट के हार्श स्क्रब यूज करते हैं जिनमें बहुत ज्यादा थिक पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन अगर आप नेचुरल घर की माइल्ड चीजों को यूज करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट आपकी डेली की जो डस्ट और गंदगी है वो हटती है। तो इस तरह से जब आपको लगे कि ये हो गया है, नेक पोर्शन को भूलना नहीं है, तो आप चेहरे को वॉश कर सकते हैं। अपना थर्ड स्टेप बनाते हैं, जो कि एक मसाजिंग क्रीम हम बनाएंगे। पहले मैंने लिया 1 चम्मच शहद। शहद आपका स्किन टाइप कुछ भी है आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ में मैंने इसमें ऐड किया हमारा पटाटो का जूस और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। हम क्योंकि इसको मसाजिंग जेल बना रहे हैं तो हम इसमें 1 चम्मच ग्लिसरीन भी ऐड करेंगे। ग्लिसरीन बहुत हाइड्रेशन का काम करती है। आपका स्किन टाइप कुछ भी हो, वेदर कुछ भी हो, ग्लिसरीन यूज करने से स्किन बहुत ज्यादा हाइड्रेट रहती है। ऑयली स्किन वालों का जो एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन होता है
है वो कम हो जाता है, ड्राई स्किन वालों की भी जो पैची स्किन है वो नहीं बनती। साथ में इसमें डालिए एलोवेरा जेल और अब इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। आपका एक जेल बेस्ड क्रीम तो नहीं कह सकते आप इसको, जेल मसाजिंग जेल बनकर रेडी हो गया है। बहुत अच्छे से अब हम इससे मसाज करेंगे। मसाज आपको 2 से 3 मिनट तक बहुत अच्छे से करना है क्योंकि यही है आपका मेन स्टेप है जो कि आपके दाग धब्बों को झुर्रियों को कंट्रोल करता है। और जितने भी फेशियल होते हैं, फिर चाहे वो एंटी एजिंग फेशियल्स हों या ना हो, जब हम अपने चेहरे पर मसाज करते हैं बहुत अच्छे तरीके से तो हमारे स्किन को एक बहुत बढ़िया सूदिंग इफेक्ट देते हैं और चेहरा अपने आप टाइट करते हैं। और आलू में भी ऐसी प्रॉपर्टी होती है पोटैटो की जूस में कि हमारे स्किन को टाइट करने का काम करता है। अगर आपकी एज 30-35+ है तो आपको रेगुलर पोटैटो का यूज करना चाहिए। इससे आपके दाग धब्बे तो लाइट होंगे ही होंगे, आपके पोर्स जो हैं वो टाइट होंगे और आपकी स्किन फर्म बनेगी। तो इसको अच्छे से आप अपने चेहरे पे मसाज करें, 2 से 3 मिनट तक जरूर करिएगा। और इस तरह से करते करते जब आपको लगे कि आपकी मसाज बहुत अच्छे से हो गई है तो उसके बाद आपको चेहरा वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। मसाज के बाद कोई भी फेशियल अगर आप करते हैं ना, आप मार्केट का फेशियल किट लेकर भी अगर फेशियल करते हैं तो मसाज के बाद कभी भी चेहरे को वॉश नहीं करना चाहिए। अच्छे से आप अपने चेहरे को अपलिफ्ट करते हुए कीजिएगा, जैसे कि मैं सभी फेशियल्स में बोलती हूँ। जिन पोर्शन में आपको लगता है कि आपकी स्किन सैगिंग हो रही है, नेक पे या फिर फोरहेड पे या फिर चीक्स के अराउंड, उनको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। और जिन लोगों को डबल चिन का भी प्रॉब्लम रहता है तो मसाज कीजिए, अपलिफ्ट करते हुए अपने नेक को मसाज करिए, तब भी बड़ा फ़ायदा मिलता है। तो इस तरह से देखिए, जिस तरह से मैं कर रही हूँ, आपकी सैगिंग स्किन हो रही है, अगर लटक रही है स्किन, आपको लग रहा है 40+ आप हो चुके हैं, स्किन थोड़ा सा ढीली पड़ रही है, तो आप इस तरह से मसाज कर सकते हैं, बहुत अच्छे इफेक्ट मिलते हैं। अगर आप चाहें तो आप स्टीम भी ले सकते हैं, लेकिन मैं स्टीम बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ क्योंकि उससे कुछ लोगों को पोर्स एकदम से जब ओपन हो जाते हैं तो उसके बाद बहुत ज़्यादा डस्ट क्लॉग हो जाता है, तो मैं स्टीम प्रेफर नहीं करती हूँ। हाँ, आप टॉवल से स्टीम ज़रूर ले सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा वार्म टॉवल लेते हैं तो आप मसाज के बाद अपने चेहरे पर 2-3 मिनट के लिए वार्म टॉवल रख सकते हैं। अब अपना करते हैं हमारा फोर्थ स्टेप, जो कि हम पैक बनाएंगे, जिसके लिए आलू का जूस लीजिए 1 से 1.5 चम्मच, जितनी आपको पैक में डालने की ज़रूरत है। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे एलोवेरा जेल। मैं जेल बेस्ड पैक बना रही हूँ, प्रॉपर ड्राई पैक नहीं बना रही हूँ। और आपके ऊपर है, किसी भी तरह से आप चीज़ों को मॉडिफाई करके अपने लिए एक बढ़िया सा फेस लेयर रेडी कर सकती हैं। मैंने ये एलोवेरा जेल इसमें ऐड किया। आप इस प्रोसेस के लिए प्लांट वाला एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं, जहाँ जहाँ मैंने यूज़ किया। साथ में मैं ऐड कर रही हूँ चंदन पाउडर। चंदन एक्चुअली चेहरे को लाइटन करने का बहुत काम करता है, गर्मियों में बहुत सूदिंग इफेक्ट देता है। मौसम कुछ भी हो, चंदन हमारी स्किन को बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। आप चंदन नहीं डालना चाहते तो आप मुल्तानी मिट्टी डाल सकते हैं, आप बेसन डाल सकते हैं। और इस तरह से आप अपना एक खुद का पैक बना सकते हैं, जो भी चीज़ आपको पसंद हो, आपके पास अवेलेबल हो या फिर आपको सूट करती हो। मुझे चंदन बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छे से सूट भी करता है, तो मैं इस पे सैंडलवुड पाउडर डालना प्रेफर करती हूँ। तो अब हमने एक जेल बेस्ड पैक बनाया है, बहुत ज़्यादा थिक पैक नहीं है, तो और हमने अपने मसाज के बाद चेहरे को वॉश भी नहीं किया है, तो उसके ऊपर पैक अच्छे से अप्लाई कर लेते हैं। और इसको अब आपको एटलीस्ट आधा घंटा अपने चेहरे पर रखना है। एलोवेरा जेल की गुडनेस मिलेगी, सैंडलवुड पाउडर की आपको गुडनेस मिलेगी स्किन को, और आलू के जूस की तो मिलेगी ही। तो इसीलिए मैंने इसको ड्राई पैक नहीं बनाया है, सो दैट मुझे जल्दी से इसको वॉश आउट ना करना पड़े। आप इसको एटलीस्ट अपने चेहरे पे आधा घंटा रखिए, पूरी तरह ये सूखेगा नहीं, हल्का हल्का सा ड्राई हो जाएगा, फिर आप चेहरे को वॉश कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा आप ग्लो देखेंगे, निखार देखेंगे। और अगर आप 2 हफ्ते भी, 1 हफ्ते में 3 बार और 2 हफ्ते भी लगातार इस फेशियल को कर लेती हैं, तो आपकी स्किन पे जो दाग धब्बों का प्रॉब्लम है, आप खुद उसमें रिडक्शन फील करेंगे। ये देखिए, मैंने चेहरा वॉश कर लिया, आपको खुद को चेहरा एकदम से निखरा हुआ ब्राइट लगेगा, क्योंकि ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है आलू में और ये आपके चेहरे को वाकई बहुत बढ़िया निखार दे देता है। इसको यूज़ करके देखिए, आपको खुद को बहुत अच्छे गुड रिजल्ट्स मिलेंगे। मैं आपके सामने खुद ही लाइव डेमो दे रही हूँ, तो आपको पता चल ही रहा होगा कि ये सब चीज़ें नेचुरल हैं पर बहुत अच्छे इफेक्ट देती हैं। अगर वीडियो पसंद आया है, आपको पता है लाइक एंड शेयर करना है, इसको यूज करना है, अपने अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मेरे साथ जरूर शेयर करने हैं। और एक चीज मैं आपके साथ क्लियर करना चाहती हूँ, स्पॉट्स हैं, झाइयां हैं, पिगमेंटेशन है, दाग धब्बे हैं, एक रात में हमारे चेहरे पे बनते नहीं है, इसीलिए एक रात में चेहरे से फेड आउट नहीं होते हैं। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा,
और रेमेडीज यूज करना पड़ेगा अगर आप नेचुरल तरीके से नेचुरल प्रोसेस से इन सब चीजों को ठीक करना चाहते हैं तो लगातार यूज करना पड़ेगा। और एक और बात, हमारी स्किन पे बहुत लंबे टाइम तक अंदर से ये चीज बन रही होती है और आपको सडन दिखती है तो आपको ऐसा लगता है कि रातों रात स्पॉट्स आ गए हमारे चेहरे पर ऐसा होता नहीं है। तो जब जो चीज रातों रात बनती नहीं है तो वो रातों रात से फेड आउट भी नहीं होगी। तो पेशेंस रखिए, ट्रस्ट करिए, चीजों को यूज करिए, अपने आप आपको रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलती हूँ, बाय बाय।